नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचर इंग्लिश क्लास 524वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों 620 से अधिक क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये सीरीज चल रहा है जो कि आप डे वन से 1 2 3 करके 5 1 24 गिन सकते हैं। उसके पहले भी वीडियोज़ बने थे लेकिन नंबरिंग नहीं थे। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी में आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ओ यू एस सफिक्स के बारे में। ओ यू एस जिसे हिंदी में या कह सकते हैं आप अगर उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो यू एस को अस बोलते हैं। ये एक सफिक्स वर्ड है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स वर्ड किसे कहते हैं ये आपको तो पता ही होगा। सफिक्स वर्ड, सफिक्स वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है तो एक सफिक्स वर्ड होता है। प्रीफिक्स वर्ड भी होता है जो कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में आता है, ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड। तो सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट। तो हर एक तरह के वर्ड्स और वर्ड के चर्चा मैंने शुरुआत में ही किया था, से लगभग 2 महीने पहले ही क्लासेस में मैंने किया था, 2 महीने पहले से स्टार्ट किया था कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है। उसके बाद जो है सीरीज चल रहा है और ये जो है आज दूसरा दिन हो जाता है ओ यू एस के ऊपर आते हुए। तो पहले स्लो स्लो, पहले ईजली ईजली यानी कि ईजी ईजी वर्ड मीनिंग रहेंगे, फिर भारी भारी लगेगा कि आप कितना भारी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो भी बहुत ही ईजी तरह से आप पढ़ सकते हैं। वो तरीका मैं बताऊंगा, वो तोड़ तोड़ के बताऊंगा। तो जिनको पढ़ने नहीं आता तो वो मेरे साथ दोस्तों कम से कम मेरे साथ एक बार जरूर रिविज़न करें और पर डे रिविज़न करें। तो देखिए बहुत जल्दी 1 2 महीना में या कह सकते हैं कि एक पहली क्लास के बाद आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक तरफ ये इस कॉलम में है ये, और जिसमें सब ये है ओ यू एस जो आ रहा है। देखिए ओ यू एस हर एक वर्ड मीनिंग में आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता चला कि ओ यू एस है। ओ यू एस क्या है, ये एक प्री सफिक्स वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि बार बार आता है। दूसरा तरह से देखिए इधर भी ओ यू एस। तो पहले दोस्तों अब मैं आपसे कहूँगा कि मोबाइल को आप वर्टिकल कर लीजिए, यानी कि मोबाइल को आप ऐसे लंबा ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ दोनों हाथ से इधर से और इधर से पकड़िए ताकि आप पूरा डिस्प्ले में बड़ा बड़ा अक्षर आपको लेटर्स दिख जाए। तो एक पार्ट में इधर दिखेगा, एक पार्ट में इधर दिखेगा, बड़ा बड़ा में ऐसे छोटा रहेगा। तो मान लीजिए इस तरह से मोबाइल पकड़ते हैं तो क्या इतना में देखना होगा, उसमें भी इतना दो पार्ट में ऐसे ऐसे दिखेगा। तो ये गड़बड़ पोजिशन पकड़ने का, आप ऐसे पकड़े। तो इसमें भी ओ यू एस सभी जगह आप देख रहे होंगे, ठीक है, सब में जगह ओ यू एस है। तो ये क्या करना है इसमें कि दोस्तों कि आप कैसे पढ़ेंगे ये जरूरी है, लेकिन पहले यहाँ पर फोकस करते हैं कैसे वर्ड को पढ़ना है। अगर देखिए और उसके बाद जैसे मैं तोड़ कर बताऊँगा कैसे तोड़ के पढ़ाया जाता है। फिर जो एक टेक्स्ट को मैंने लिया है हर वीडियो मैंने लिया है टेक्स्ट को जो कि नया रहेगा और उससे भी पढ़ेंगे, उसे भी तोड़ कर बताएंगे कौन कौन सा पार्ट बार बार रिपीट होते हैं। चलिए ये देखिए, इम्पेरियस, एक्सट्रैनियस, सिंक्रोनस, ऑडिशियस, डिसकंटिन्यूस, वीकेरियस, एडनमोटेसस, ऑस्पीसियस, पॉन्डेरस, प्रीसिपिटस, र्यूनियस, वोल्ट्यूबस, सब क्यूटेंसियस, डिसीड्यूअस, इंजूरियस, इपोनीमस। तो रिपीट कीजिए हमारे साथ ताकि पता चल सके, और भी धीरे से मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे टम मल्टीअस, ऑस्टेंटेसियस, अनप्रीटेंसियस, रूफस, कैलकेरियस, वीवेसियस, मोनोगेमस, ओडियस, रैप्चरस, बारबरस, सेडिसियस, एम्फीवियस, कैंसेरस, एसीड्यूअस, नेब्यूलस, वोरेसियस। बताइए लग रहा था कि भाई कोई होम्योपैथी की दवाई का नाम पढ़ रहा है इस तरह से। यू एस जब आता है तो लगता है कि होम्योपैथी की दवा का नाम भी, लेकिन खैर ये आप इसे दोबारा फिर से वीडियो को प्रीवियस कीजिए और हमारे साथ ये जो मैंने बताया आप उसको रिपीट कीजिए। हाँ जो री और ये देखिए पीट,
ठीक है, रिपीट कीजिए, और बहुत ही ज़रूरी है ये रिपीट करना। अगर करते हैं सीखते हैं तो अभी इजी हो जाता है पढ़ना सीखना आपके लिए आसानी से। तो दोस्तों आइए फिर से देखते हैं कि भाई वो क्या क्या जो है हिस्सा है और रिपीट क्या क्या करना है। तो ये तो है, यहाँ पर रिपीट करिए फिर से, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डिवर्स देखना चाहते हैं, वीडियो को दिक्कत हो रही है, तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, मैक पे बोलिए, यही गूगल के सर्च में टाइप करिए, ओमनी चैनल लिखिए गूगल में, गूगल खोलिए, ओमनी चैनल लिखिए, ओमनी सेंट इंग्लिश आपको डिवर्स मिल जाएंगे, और जो है या मैक पे बोलिए तो भी वीडियो क्लिक मिल जाएंगे। दोस्तों रीडिंग राइटिंग और स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम मुझे लगता है कि वह रीडिंग है। और आज हमारे साथ आप रीडिंग करने के लिए, पढ़ने सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और आज पढ़ना सीखना है अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है इसको ट्रिक से सीखेंगे हम लोग दोस्तों। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा पहला स्लाइड, एक्चुअली पहला कॉलम है, और इसके दूसरे कॉलम की बात करेंगे जिसे मैंने यहाँ तोड़ा है। आप भी इसे तोड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने आना चाहिए। देखिए दो तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ने का एक तरीका ये है कि ओ यू एस जो है अस बोलते हैं, और ओ है यू है एस है। तो यू देखिए भॉवेल क्या है, भॉवेल जो होता है भॉवेल वो पांच होता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस भॉवेल को मिलाकर बनता है, या भॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर भॉवेल बनता है, वर्ड बनता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इसको करने के लिए क्या करेंगे कि आप सीखना होगा भाई कि इसका उच्चारण कैसे होते हैं। ई का उच्चारण चार तरह से, ई का पांच, ई आई का पांच, ओ का चार, यू का जो है चार तरह से उच्चारण होता है। तो कैसे कैसे क्या उच्चारण होगा वो भी मैं बताऊँगा इसके बाद वाले टेक्स्ट के बाद कि कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आपने मेरे पिछले क्लास को देखा हो तो फिर वहाँ समझने की जरूरत नहीं, यही समझ गया होगा। ये ऐसा इसलिए मैं बताता हूँ ताकि रोज़ मैं इस तरह से एक ही तरह से बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी अगर नया कोई हमारा व्यूअर आए तो उनको ये ना लगे कि वीडियो में कुछ मिस है, कुछ समझ नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ पर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और इसलिए भी कि आपके दिमाग में बात चढ़ जाए कि भाई भॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे होता है। तो अगर भॉवेल को उच्चारण सीख जाते तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की जरूरत नहीं। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड मान लीजिए कि नहीं भॉवेल का उच्चारण सीख पा रहे, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड में अलग अलग भॉवेल का उच्चारण होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर जो नहीं सुने होते इंग्लिश का वर्ड या इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को नहीं सुने होते तो उनको दिक्कत बहुत ही होती है। तो ऐसे में जो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की सहायता ले, पार्ट्स ऑफ वर्ड की सहायता से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सके। जैसे ए ओ यू एस एक जो है सफिक्स वर्ड है, एक तो है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आई एम भी एक प्रीफिक्स वर्ड है, एक्स भी प्रीफिक्स वर्ड है, फिर जो है डिस जो है प्रीफिक्स वर्ड है, यहाँ देखिए प्री है फिर से प्रीफिक्स वर्ड है, सब प्रीफिक्स वर्ड है, डी प्रीफिक्स वर्ड है, इन प्रीफिक्स वर्ड है। तो ये सारे जो है प्रीफिक्स वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे या पीछे होते हैं, बीच में भी कुछ पार्ट होते हैं जो बाकी बार बार रिपीट होते हैं। और जैसे कि नहीं भी हो रहे हैं तो आप, चूँकि ये कम लेटर वाला है, नहीं भी हो रहे हैं तो एक बात है कि ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का उच्चारण कैसे होगा, इसको पकड़ कर बनाना होगा। जैसे देखिए आई एम इम, पी से पे, तो ई का उच्चारण यहाँ पर ए का के रूप में हुआ, किसके रूप में, ए के रूप में। तो इम्पेरियस, एक्स्ट्रानियस, सिन सिन क्रोनस, क्योंकि देखिए ओ यू एस जो है एन के साथ आया है, एन के बाद, यानी चलिए ओ यू एस के पहले एन है तो एन के साथ जुड़ गया एन, तो अस जो है मान लीजिए ये अस लिखा हुआ, एन या एन से ना होता है और इसके बाद लिखा हुआ अस, तो मिल के बन जाता है नस, यही मैंने बताया है। सिंक्रोनस, ओडेसियस, ओडेसियस, डिसकंटी न्यूअस, वीकैरियस, एडेनोमैसस, ऑस पीसियस, पॉन्डेरस, प्रीसीपीटस, रियूनियस, वोल वोल वोल्यू वोल्यूट्यूस ट्यूस, सबक्यूटेनियस, डी
डिसीड्यूस, इंजूरियस, इपोनीमस। अब देखिए जो रिपीट हुआ मैंने बताया, कन जो है ये पार्ट ऑफ वर्ड जो बार बार रिपीट होता है, तो इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। हालांकि मैंने थोड़ा तो फास्ट पढ़ दिया, अगले स्लाइड में मैंने बहुत ही धीरे पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि आप सीख सकें। तो फिर से रिपीट कीजिए हमारे साथ, और देखिए दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, टी यू एस टा ट्यू, यू का उच्चारण ई यू के रूप में वहाँ पर हुआ, जो यू है ना, यू का उच्चारण क्या हुआ, ई यू के रूप में। तो ट्यू एम यू, यहाँ पर ई एम यू एल जो है इसे मल पढ़ा गया है, म्यू नहीं पढ़ा गया है। यू का उच्चारण यहाँ पर जो है आ के रूप में हुआ है, तो ट्यूमल्टुअस। ऑस ई एन के पहले टी है तो टेन हो हाँ गया, ऑस्टेंटेस, ऑस्टेंटेस, ठीक है, ऑन ऑस्टेंटेसियस। फिर देखिए अनप्रीटेंसियस, यहाँ पर टी हो जाएगा, अनप्रीटेंसियस। रूफस, कैलकैरियस, विवेसियस, मोनोगैमस, ऑडियस, रैप, आरपी रैप, चरस, रैपचरस, बार वरस, से डी सी एस, एम्फीवियस, कैंसेरस, एसीड्यूस, नेब्यूलस, वोरेसियस, है ना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप वर्ड मीनिंग को पढ़ना सीखिए, और जितने ही आसानी से आप पढ़ना सीखेंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए आसानी से क्या होगा, मतलब कि ट्रिक जो है उस ट्रिक को पढ़िए, फिर से देखिए, फिर से हमारे साथ बोलिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाए। बहुत ही सीखेंगे जब, और सीखने के दिन जब कुछ आप सीखने लगते हैं बार बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कैसे इतना ईजिली पढ़ पा रहे थे, इसके पहले क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे। चलिए अब दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ और आप जो देख रहे हैं, ये वर्ड मीनिंग है और एक्चुअली टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अनुसार जो है दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत स्लो आ रहा था, तो मैंने इसे फास्ट किया है ताकि आने में कोई दिक्कत ना हो और समय कम लगे। और देखिए ये मैं कहूँगा कि भाई आप पढ़ के बताइए, तो लगे आप वीडियोस को बंद करिएगा और देखना बंद कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है और सीखना है कि भाई कैसे पढ़ना है। चलिए कम समय में, 1 से 2 मिनट में मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद इसको तोड़ तोड़ के बताऊँगा कि कहाँ आप, उनके यहाँ आप फंस सकते हैं, कहाँ आप नहीं फंस सकते हैं, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है कौन सा नहीं। तो 13 13 मिनट जो है और 16 सेकंड हो चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 20 से। तो द स्वीपिंग विक्ट्री निकोलस माडुरो एंड हिज एलाइज सिक्योर्ड इन संडेज लेजिस्लेटिव इलेक्शन इन वेनेजुएला हैज अलाउड द ऑयल रिच कंट्री प्रेसिडेंट टू टाइटेन हिज ग्रिप ऑन पावर। द आउट गोइंग नेशनल असेंबली इन विच द अपोजिशन हैज अ मेजोरिटी हैज रीमेंड आउटसाइड हिज द इन्फ्लुएंस लास्ट ईयर द असेंबली स्पीकर जुआन गुआडो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द अपोजिशन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मिस्टर मादुरोज 2018 री इलेक्शन। बट डिस्पाइट मिस्टर गुआडोज कॉल फॉर रिवोल्ट एंड द सपोर्ट ही गॉट इंटरनेशनली इंक्लूडिंग फ्रॉम द US all other major institutions including the judiciaries and the military remained loyal to Mr. Maduro. He has emerged stronger with his the United Socialist Party and allies winning 67% of the vote, but the results are unlikely to resolve the political crisis. द ग्वाडो लेड मेन राइट विंग अपोजिशन ब्लॉक हैड द बॉयकॉटेड द इलेक्शन। इट क्लेम दैट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन अर्लियर
इज ईयर टू अपॉइंट अ न्यू इलेक्शन कमीशन विदाउट। दोस्तों देखा आपने जैसे कि 20 से स्टार्ट किया था, 15 तक स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड में मैंने ये पढ़ दिया, 1 मिनट 40 सेकंड में मैंने धीरे पढ़ा, लेकिन आप और इसे फास्ट पढ़ सकते हैं, लगभग 1 मिनट 1.25 मिनट में आप इसे पढ़ सकते हैं तेज़ी में। लेकिन अगर नए, अगर आप कुछ नहीं इंग्लिश जानते तो आप 1.5 मिनट में क्या आपको लगेगा, कम से कम 20 मिनट, वो भी गलती जल्दी पढ़ने में। और कुछ वर्ड्स तो आप पढ़ते होंगे, कुछ वर्ड्स बहुत इजीली हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स बहुत ही ट्रिपिकल। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड था, वेनेजुएला में जो क्राइसिस है और इलेक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ था। तो चलिए फिर से इसे मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाए। देखिए द स्वीपिंग ING इंग है, पिक से जोड़ के पिंग हो गया, तो स्वीपिंग, ठीक है स्वीपिंग। विक वो आर को पहले टी है तो टर हो गया, आर वाई री हो गया टरी। विक्टरी निकोलस मादुरो एंड हीज एलीज, ठीक है एलीज। सी क्योर्ड इन संडे, इवन को एंड बोलते हैं, इसके अंदर जन हो गया, ए वाई को ए बोलते हैं, डी वर्ड है। संडेज ले जिस ले टी आई वी टी बोलते हैं लेजिस्लेटिव। इलेक्शंस इन वेने जुए जुए ला हैज लॉयर्ड। द ऑयल रिच कंट्रीज प्रेसिडेंट, ई एन टी वर्ड डी है तो डेंट हो गया। तो देखिए ये भी प्रीफिक्स वर्ड है डी, और ई एन टी वर्ड डी है तो ये भी प्रीफिक्स वर्ड हो गया टू। अब देखिए आई जी एस टी आइट होते हैं तो टी लगे तो टाइट हो गया, हालांकि इसके बाद ई एन है तो ई एन के पहले टी तो टेन हो गया, तो आर टाइटन हो गया, टाइटन है ना टाइटन, वो टाइटन बड़ी वाली टाइटन नहीं टाइटन। हिज ग्रिप ऑन पावर, ई आर के पहले वी है तो पी ओ से पा हो गया और डब्ल्यू आर से आर हो गया। भाई कहेंगे कि पी ओ से पो होता है, पा नहीं होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ पी ए से पी ओ से पा भी होता है, ये मैं बताऊँगा स्लाइड के बाद, ठीक है। तो पावर द आउट गो इंग, देखिए टी वाई एन सन बोलते हैं, एन ए ने आई एल कॉल, तो नेशनल असेंबली असेंबली इन विच द ओपोजिशन एज अ मेजोरिटी हैज रिमेंड आउटसाइड हिज इन्फ्लुएंसेस लास्ट ईयर द असेंबली असेंबली एस पी ई ई ए को ई बोलते हैं बड़ी कर की मात्रा, ई आगे पहले कर है के है तो कर एस पी कर जुआन गुआडो गुआडो तो ये नाम है, अब वेनेजुएला में वैसे ही नाम होते हैं। तो अब देखिए डेक ए के बाद ई है तो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए आई सी टी एक्ट, इसमें एन जी एक्टिंग प्रेसिडेंट ई एन टी और टी डी है प्रेसिडेंट, यह पहले टी है तो टर हो गया आफ्टर द ओपोजिशन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मिस्टर मादुरोज टू रेटिन री इलेक टी एन को सन बोलते हैं सन ब्यूटी बट डेस्पाइट मिस्टर गुआडोज कॉल फॉर रिवोल्ट एंड द सपोर्ट सपोर्ट है ना एस यू पी सब सब हो गया सपोर्ट ही सपोर्ट हो गया ही गॉट इन ईयर के पहले टी है तो टर इंटर ने सन टी एन सन हो गया और ने एल हो गया एल कॉल बोलते हैं नेशनल अली इंटरनेशनली इंक्लूडिंग फ्रॉम द यू एस ऑल अदर मेजोरिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द ज्यूडिशियरी एंड द मिलिट्री डिग्री एंड एम के पहले है एम तो मेंड हो जाता है ए आई एन एन होता है और यहाँ पर रहता है पी तो पेन हो जाता है आ रहा तो रेन हो जाता है लॉयल तो मिस्टर मादुरो ही हैज़ द इमर्ज ई के पहले एम है तो ई मर्ज एस्ट ओ एन यू एम है
आर के साथ लगा रॉन्ग, इसके सॉन्ग रहता पी के साथ, ए में तो अमोंग रहता, तो एस एस स्ट्रॉन्ग आई आर लगा हुआ स्ट्रॉन्गर विद हिट द, देखिए एस स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आई आर लग गया तो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, या देखिए स्ट्रॉन्गर एस स्ट्रॉन्गर विद हिज यू नाई टी रिटेड सोशल सोशल सोशलिस्ट ए आर टी आर पी से पार्ट पार्ट वाई लग गया तो पार्टी, एंड एलिज विनिंग विनिंग 67% ऑफ द वोट बट द रिजल्ट्स आर अनलाइकली, तीन बार पढ़ेंगे इसे अनलाइकली रिजॉल्व, इसको यहाँ पे ज़रा पढ़ा गया है या देखिएगा रिजॉल्व द पॉलिटिकल एल है क्राइसिस वाला आई के लिए आई और दूसरा आई के लिए ई बोला गया तो क्राइसिस द गुआडो लेड मेन मेन एम है तो मेन पी रहता तो पेन आर रहता तो रेन जी रहता तो गेन रहता है जी ए आई एन गेन पी आई एन पेन ठीक है जी ए आई एन गेन देखिए आई जी एच टी राइट है आर लगा तो राइट एफ लगा फाइट एस लगा साइट एन लगा नाइट एम लगा माइट होता है ना विंग ओ पो जी सन सन आगे ब्लॉक एंड बॉय कॉटेड द इलेक्शन इट क्लेम्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन अर्लियर दिस ईयर टू अपॉइंट अ न्यू इलेक्शन कमीशन विदाउट, दोस्तों इस तरह से पढ़ना सीखिए। अब बात करते कि भैया वोवेल का उच्चारण कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वोवेल जो होता है ये पांच होता है और उसका उच्चारण कैसे कैसे होता है ये देखना होगा। तो जैसे कि वोवेल एक, वोवेल का उच्चारण चार तरह से होता है, तो एक ऊपर अ आ ए ऐ बोलते हैं, ई का उच्चारण जो होता है वो पांच तरह से होता है और ई को अ आ ई ई ए होगा, उसके बाद आई का उच्चारण है तो वो ही होगा पांच तरह से उच्चारण होगा अ आ ई ई आई, उसके बाद ओ का उच्चारण है तो चार तरह से होता है, यानी कि चार चार तरह का यूज होगा, चार तरह से बोलते हैं हम लोग ठीक है। ओ आ उ ओ, यू का उच्चारण जो होगा दोस्तों वो भी होगा चार तरह से, ओ आ उ यू, डबल ओ का उच्चारण जो है वो होगा पांच तरह से अ आ उ ओ और उ ओ। अब देखिए कोई वर्ड जो है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट जो ये वोवेल पांच होता है ए टू जेड में ठीक है, ए से जेड में 26 लेटर होते हैं, इसमें पांच वोवेल होता है, बाकी शेष जो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट उसके बाद वोवेल को मिलाकर जो वर्ड बनता है, या कहें कि वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से जो है वर्ड बनता है। अब इसे मैंने बताया था आपको पी ओ डब्ल्यू ई आर क्या मतलब है पावर, तो ओ जो है ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ ना, पी से होता है प पा, ओ से हो गया पा, और ई आर एम वी डब्ल्यू ई आर वर, ई आर के बारे डब्ल्यू है तो वर हो गया पावर, बोले ना पावर है ना पावर हो गया पावर। चलिए अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल को देखते हैं और सीखते हैं कि सही में क्या होता है। देखिए ये है कुछ एग्जांपल जो आपके भोवेल के सीखेंगे, भोवेल के एग्जांपल देखेंगे, तो पांचों हैं ए ई आई ओ यू डब्ल्यू। चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए कि जो ए का उच्चारण कैसे मिलता है, तो ए में ए है कंपनी, सॉल्ट आ, लेन ए, कैप ए, पी आर पर अ, री ई, पेन ए, एस आई आर सर में अ, एफ आई जी फिग में आ ई, टी आई एन में आ ई वड़ी, और पी आर आई एम ई में पी आर आई एम ई में प्राई, एस ओ एन में अ, ओ यू टी आउट में आ,
MWL मून में ओ, TON में टोन में ओ है ना, SUN में सन में अ, PUT में ओ, TUNE में ट्यू, ईयू। अब देखिए FLOOD फ्लड आ हुआ ना, दो है ROOM रूम, डबल ओ के लिए ऊ, तो हो गया ना ऊ। तो दोस्तों यहाँ देखा आपने कैसे जो है बार बार एक ही चीज़ जो है, एक ही चीज़ जो कई बार अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो ये आपको पता नहीं चले कहाँ क्या बोलते हैं। तो 500 वर्ड याद कीजिए, 500 वर्ड के क्लास के लिए पिछले वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारे लिए कुछ जरूरी बात है उसको ध्यान रखिए, कि जो हमारे लिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए बात ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, और पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, साथ में शेयर भी कीजिए, जो और भी लोग अपने घर के सगे संबंधी, अपने मित्र जो भी है सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ भी सीखना चाहते हैं। देखिए बेसिक है दोस्तों, और इसे अगर पकड़ लेते हैं तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया, प्रीवियस वीडियो के लिंक जो किया है, ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ दिया गया, फिर बाय बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा। और प्री हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो यानी कि डे वन से देखना चाहते हैं वीडियो को, तो बस यहाँ टच कीजिए और हमारे वीडियो को देखना शुरू कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स।